स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसमें से तो गंदी बदबू आ रही है और चुभन सी भी हो रही है। टमाटर के पेस्ट से चुभन कैसी? इससे तो चेहरा खिल जाता है, देखना कैसा निखार आएगा। खूबसूरत दुल्हन दिखने के लिए थोड़ा तो सहना पड़ेगा ही। सुंदर दिखने के सस्ते और सरल उपाय बताओ। 2 चम्मच ताजा दूध सुबह उठकर अपने चेहरे पर मले, न केमिकल लगेगा न पिंपल्स आएंगे। बालों में महंगे कंडीशनर यूज करने से अच्छा है दही लगाइए, केला और शहद मिलाकर मलिए। ऐसे मुंह मत बनाइए, ये सब घरेलू नुस्खे हैं। इन सब सस्ती चीजों का इस्तेमाल करके हम कितने पैसे बचा सकते हैं। पति का मन सिर्फ अपनी सुंदरता से ही नहीं बल्कि बचत करके भी जीता जा सकता है। और क्या क्या करना पड़ेगा हमारी एक्स्ट्रा को उनकी मनमोहिनी बने रहने के लिए? और जब वो शाम को घर वापस आए तो अच्छी तरह से तैयार होकर खुश होकर उनका स्वागत करना चाहिए। फिर देखो कैसी उनकी दिन भर की थकान दूर हो जाती है आपका चेहरा देखकर ही। और हाँ, दोनों को एक ही थाली में खाना खाना चाहिए, फिर देखो कैसे जीवन भर एक दूसरे का साथ बना रहता है। सास ससुर के सामने आंखें नीची करके बात करना इट्स अ गुड मैनर्स, लेकिन उनके सामने पति का हाथ पकड़ना बिल्कुल गलत, बैड मैनर्स। पति के दोस्त जब आपकी तारीफ करें तो उनका थैंक्स करना चाहिए, गुड मैनर्स। लेकिन अगर वो ज्यादा हंसी मजाक करें तो उनके सामने मुंह खोल खोल कर हंसना, बैड मैनर्स। अरे इसमें हंसने की क्या बात है, ये सब कुछ सीखकर ही आप अपने ससुराल में अपनी धाक जमाएंगी। और हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, कोई अगर आपकी तारीफ करे तो उसकी तारीफ में भी 2 शब्द जरूर कहना चाहिए। और ऐसी कई सारी बातें हैं जिनका आप दोनों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वर्षा, इतना सब मैं कैसे याद रखूंगी, ये तो कॉलेज एग्जाम से भी टफ है। मैं हूं ना तुझे टिप्स देने के लिए, टेंशन क्यों लेती है? ये विजय बेटा तुम लोगों के लिए, ये तुम लोगों के लिए कुणाल बेटा, और ये सुधर जी आपके लिए। ये सारे हमारे सिंध जी की तरफ से आए हैं निमंत्रण, सबको मिल गए ना? मारे नाम का निमंत्रण पत्र नहीं आया? ना ना, ऐसा कैसे? राजबना देखो जरा इसमें। मामा जी ऐसे कैसे हो सकता है, आपका भी कार्ड होगा। मुन्ना जरा देख उसमें। लगता है हमें बुलाना ही नहीं चाहते। नहीं, ऐसी क्या बात है, ढूंढ रहे हैं। देखो बेटा, तो काय हमारे नाम की पत्रिका नहीं भेजी ना? ये है आपके समधी और आपके मामा जी के पति, ये है उनका आदर भाव। अरे मामा जी को कैसे भूल गए? नहीं, मामा जी को कैसे भूल सकते हैं, मामा जी आपका कार्ड भी जरूर आया होगा, बस इधर उधर हो गया है। हाँ हाँ, हमारा ही कार्ड खो गया। बहू अब तुम उनकी तरफदारी मत करो। नहीं नहीं, भूल गए होंगे, हम उनसे कह देंगे, भिजवा देंगे कार्ड। कोई जरूरत ना है, हम नहीं आने वाले ब्याह में, हमारी बेइज्जती की गई है, बेइज्जती। रजना मामा जी, मामा जी मेरी बात सुनिए, मामा जी भूल तो हो गई उनसे, ये
ही कार्ड को लेकर बात बढ़ गई। मामा जी का स्वभाव तो पता है ना, हर बात पे गुस्सा करते हैं। उनकी तो अलग ही अकड़ रहती है, और कार्ड भी इसी वक्त नहीं मिल रहा। शादी तक किसी के मनाए नहीं मानेंगे वो। और लड़की वालों को भी सुनना पड़ेगा, तेरे रिश्तेदार भी ना बहुत निराले, रोज कोई ना कोई आइटम आ जाता है। एक है आपके बबलू जी, मिस्टर फोटोग्राफर जी, और दद्दा जी तो हैं सबके सरताज। तू कैसे पैदा हो गया इन सबके बीच? मोहन, रिश्तेदारों के लिए ऐसे नहीं बोलते। कोई रास्ता दो। मैं क्या कोई ऋषि मुनि हूँ जो तुम लोग के हर टेढ़े मेरे सवाल का जवाब होगा मेरे पास? सबसे पहले आई शुरू तुम यू आई जी, मिठाई भेजी उन्होंने। कार्ड दिया है बेटा? जी, सारे कार्ड दिया, बल्कि उनके एक नए रिश्तेदार आए थे उनको भी दे दिया। बहुत अच्छा किया। अरे ये कार्ड, ये किसका कार्ड वापस लिया है? दिखा जी, कोई रजत सिंह जी का नाम है। दिखाइए, रजत सिंह, ये तो नैदे के मामा जी हैं। वो ये रह गया? ऐसे कैसे रह गया बेटा? शौर्यम, ये नैदे के वही मामा जी हैं जो सगाई वाले दिन नाराज हुए थे क्योंकि किसी ने उनसे खाने के लिए नहीं पूछा था। पता नहीं कैसे भाऊजी, इसीलिए तुम्हें भेजा था, बोला को नहीं, और कहा था कि सभी रिश्तेदारों को सम्मान पूर्वक निमंत्रण देकर आना, कोई चूक ना हो। अब क्या करूं, ये छूटना था। कार्ड ना मिलने पर तो वो और नाराज हो जाएंगे। बेटा, रिश्तेदार ऐसी भूल माफ नहीं करते, उन्हें ये लगेगा कि हमने उनका निरादर किया है। सिर्फ वही नहीं, बाकी लोग भी नाराज हो जाएंगे। बेटा, उल्टे पांव जा और ये कार्ड अभी देखा। जी मैम। अभी जल्दी, ये पता नहीं क्या क्या बातें सुननी पड़ेंगी अब हमें। बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी मैंने, मैं अभी आता हूँ। पर नींबू पानी तो पी लीजिए। अभी जाना जरूरी है, वापस आके पीता हूँ। इतनी धूप से थक कर आए हैं, पानी तक नहीं पिया। मेहरबान कदरदान, अब देखिए कमाल। यार कहीं हम पकड़े ना जाए। अरे नहीं यार, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है रे। क्यों, तूने कितने फ्रॉड करे इन औजारों से? जा, नहीं करता। एक तो मदद करो, ऊपर से सुनो भी माल। अच्छा अच्छा, सॉरी, प्लीज हेल्प कर देना यार। मुन्ना ने कार्ड मंगाया है। दादा, आपने कार्ड मंगाया था मामा जी के लिए? लेकिन बेटा, इस पे हमारा नाम लिखा है। अरे तो नाम मिटा देंगे और फिर मामा जी के नाम का कार्ड पूरे आदर के साथ उन्हें पेश कर देंगे। और फिर उनसे कहेंगे, मामा जी इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, आपका कार्ड तो यही था, बस हमें मिला नहीं। पर ये पेन से लिखा है, मिटेगा नहीं। इसी में तो ये नैतिक मुझसे मात खा गया। अब देखिए माँ, आपका होनहार जीनियस बेटा क्या क्या करता है, क्या क्या कहाँ है।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये देखिए, देखा देखा आप लोगों ने जादू। अब जाओ और इस पे उनका नाम लिख दो। नहीं नहीं, अगर मेरी हैंडराइटिंग किसी ने पहचान ली तो, अरे तो मेरी पहचान ली तो। रश्मि, रश्मि, इस कार्ड पे तुम उनका नाम लिख दो। हाँ, और वैसे भी इस खेल में सबको बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए, है ना? ये झूठ है, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? हम लड़की वालों के घर फोन करके एक और कार्ड मंगा लेंगे। ये ठीक नहीं है बेटा। अरे वाह, देखिए माँ, ये तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। देखिए, अब जाओ ये कार्ड उनको जाके दे आ। मुन्ना माँ, हम लोग दादाजी की खुशी के लिए तो ये सब कर रहे हैं। चलिए माँ, दे आते हैं। किस्सा ही खत्म। मामा जी, आपका कार्ड। पर ये पत्रिका मिली कहाँ? जी बस मिल गई, बच्चों ने दी। मुन्ना बताना कहाँ मिली? वहीं बाकी के बचे हुए कार्ड्स में थी। तो तने ठीक से ना देखी थी? कितना देखा था पर तब नहीं मिली। दादाजी हो जाता है। मामा जी माफ कर दो, बच्चे हैं, गलती हो गई। पर उनके यहाँ से कार्ड आया था, ये तो आपने मान लिया ना दादाजी? अब भूल भी जाओ, माफ भी कर दो। हाँ, शादी ब्याह में ऐसा होता ही है। चलिए, मामा जी ने माफ कर दिया, किस्सा खत्म। राधे कृष्ण। बेटा शौर्य, सब कुशल मंगल तो है? जी, मैं आप सबसे माफी मांगने आया था, हमसे गलती हो गई। अरे अरे नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई, माफ कर दिया मामा जी ने आपको, आप रहने दीजिए। हाँ नहीं, मैं कार्ड साथ में, कार्ड की बात भूल जाइए। मामा जी माफ कीजिएगा आप, मैं आपको कार्ड दिए बिना चला गया। हमें मिल गया ना? मिल गया। हाँ ये मिल गया, वो मैं दरअसल साथ में ले गया था। बाबू जी ने भी माफी मांगी है और कहा कि फौरन दे के आओ, इसलिए मैं खुद देने आया आपको। लीजिए आपका कार्ड। आप सादर आमंत्रित हैं। समझ तो गया था मैं कि दाल में कुछ काला है। तुम लोगों को यह पत्रिका कहां से मिली? दे दी होगी किसी और की, और क्या? झूठ क्यों बोला मुन्ना? अपनी ससुराल की तुझे इतनी फिक्र है कि अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंक रहा है, और बहू तुम इनका साथ दे रही हो? गायत्री, बच्चों की इस नादानी में तुम्हें शामिल होने की क्या जरूरत थी?
अरे अभी से ही हो गया उनका ये थारा छोरा। देखना राजशेखर, ये हाथ से निकल जाएगा। तो आजकल झूठ भी बोलने लगा है, और क्या क्या उम्मीद की जाए तुझसे? मुन्ना क्या आज तो बुरे फंस गए? ये तो हमने सोचा ही नहीं। मुन्ना आज तेरे झूठ की वजह से मुझे भी सबके सामने सुनना पड़ गया। सॉरी माँ। चौरे दादा ने सबको डांट खिला दिया आज। मैंने क्या किया है? ये क्या किया आपने? अरे मुझे कहाँ पता था अक्षरा कि उन लोगों ने मेरी तरफ से कार्ड बनाकर मामा जी को दे दिया। और फिर पहले पहले मुझे तो समझ में नहीं आया कि मेरे कार्ड देने से नैतिक जी को डांट क्यों पड़ रही है। ये तो बहुत गलत हुआ दादू। बहुत गलत हुआ? मैं सामने था वो चुप रह गए, बाद में तो बहुत डांटा होगा, बहुत गुस्से में थे दादाजी। क्या आज तो भाग भाग के बहुत थक गया मैं। चलो मैं फ्रेश होता हूँ। बेचारे नैतिक जी, कितनी दौड़ भाग करनी पड़ी उन्हें, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ये शौर्य दादू भी ना ही वो कार्ड भूलते और ना ही ये सब होता। हो जाता है, इतने सारे काम एक साथ करने पड़े तो छोटी मोटी गलती हो ही जाती है, पर उनकी छोटी सी गलती की वजह से नैतिक जी पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। पर शौर्य को क्या पता था कि उनकी पीठ पीछे क्या हुआ? नैतिक जी इशारा कर रहे थे तो उन्हें समझना चाहिए था ना। ये ठीक नहीं हुआ वर्षा। हाँ अक्षरा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सॉरी वर्षा, सॉरी अक्षरा। तू बड़ी तरफदारी कर रही है दादू की आज। क्यों नहीं करूं? जैसे तू नैतिक जी के लिए इतनी परेशान थी, मुझे भी इनकी फिक्र है। हम दोनों तो एकदम बावली हो गई हैं, एकदम पागल ही हो गई है। वर्षा, क्या हम किसी को इतना पसंद कर बैठते हैं कि उसकी बुराई सुन ही नहीं पाते, और दिल से ये चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहे। दीदी, महाराज जी ने सारे व्यंजन तैयार कर दिए, तुम सब ठीक है ना? खाना खा के जाए। हाँ बेटा, ये जरा अच्छे से लगा दो, ठीक है? बड़ी बहू जी, गेहूँ और चावल ना अलग अलग लोटे में भर कर रख दो, ताकि जरूरत के वक्त ढूंढना ना पड़े। जी। अक्षरा के बचपन की बात याद आ गई। जब छोटी थी ना तो रतन उसे मामा भात की रस्म को लेकर बहुत चिढ़ाते थे। जब भी कोई फरमाइश करती तो रतन कहते, अभी से क्यों दूं, जब ब्याह करेगी तो जी भर के ले लेना। रतन, कुछ काम हुआ थारे से कि अपने खानदान की नाक कटवाएगा आज? ये सब ठीक है ना? भारी है। माँ,
जितना था सब लगा दिया, बस इतना ही कर सका। अब कुछ ठीक ठीक सा लागे। नगद कितना दे रहा है? नगद में सिर्फ 1.5 लाख ही जुटा पाया हूं। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।